सांसद उपेंद्र अमानी ने बाउंड्री निर्माण सुंदरीकरण व जर्जर तारों का नवीनीकरण हुआ शुरू। फतेहपुर जनपद अंतर्गत अमौली कस्बे में आज उपेंद्र अमौली ने 31/11 KV में माननीय कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें कस्बे में लगे हुए बिजली के जर्जर तारों को संपूर्ण नवीनीकरण बाउंड्री वॉल का निर्माण की शिक्षक की अध्यक्षता में किया। इस कार्यक्रम में विद्युत उपकेंद्र बिंदकी के उपखंड अधिकारी प्रशांत शुक्ला, कैलाश शर्मा, प्रतिनिधि कारागार मंत्री रजत प्रताप सिंह, शिक्षक मूलचंद्र सिंह, पूर्व जिला मंत्री भाजपा वाण लाल वर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। फतेहपुर के हमारे जिला संवाददाता अनिल कुमार की सलामत रखना। मैंने कहा ये जय कुमार सिंह जैकी को माला नहीं मिल रहे है, ये माला जिन्हें मिल रहे हैं। मैं एक प्रतीक रूप में खड़ा होकर के माला स्वागत करवाता हूं, लेकिन ये जो माला मिल रहे हैं मेरी जहानाबाद विधानसभा के 3 लाख मतदाताओं ने मुझे विधायक बनाया है। उनके विधायक बनाने के कारण आज मेरा स्वागत होता है। तो मैं जब स्वागत के बाद गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि उनको सलामत रखना। मेरी विधानसभा के लोग, भगवान मेरी विधानसभा के लोगों को सलामत रखना, उनका अभिनंदन रखना, बंदन रखना, स्वागत रखना। अभी तक के जनप्रतिनिधि और हम में केवल यही अंतर है कि बाकी जिनको आपने बनाया वो बढ़ते ही दरोगा को लगाया। बनाया आपने, बनाया इसलिए कि जब भी मुसीबत पड़ेगी, जब भी संकट आएगा, जब भी सरकारी विभागों से हमें मुसीबत होगी, हमारा एमएलए हमें ढाल बन करके हमारी मुसीबत का समाधान करेगा। अंतर यह हो गया कि जिन्हें आपने रक्षक बनाया वो पुलिस के माध्यम से आपको भक्षक की भूमिका अदा किया, गिरफ्तार कर दिया। हमने इस सेवा के भाव में लिया कि हमें आपने सेवा का अवसर दिया है कि अहंकार करने का दिया है। हम शीशा बंद रखते हैं तो नमस्ते अगल बगल से करते चलते हैं। बाकी लोग में ये हाल था, पैर छुओ तो पूरब के बजाय पश्चिम को देखने लगते थे। कुछ के दरवाजे में जाओ तो नेता लोग माँ बहन की गालियां देते थे, कहीं कोई बात करते थे।